धौलपुर में सर्दी का सितम जारी है। सोमवार को दिन भर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। कड़ाके की सर्दी में लोग अलाप का सहारा लेते दिखे। जिले में पड़ रही कड़ाके की सर्दी में बड़ी संख्या में लोगों को खांसी जुकाम से पीड़ित हो रहे हैं। हर कपकपाती सर्दी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी में ऐसा ही मौसम रहने का अंदेशा है। अगले दो दिन में बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी खराना से 13 जनवरी 2022 को खेतों से लापता हुई विवाहिता महिला को स्थानीय पुलिस ने सोमवार को दस्तावेज कर लिया। मोबाइल लोकेशन एवं टेक्निकल कॉल रिलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से विवाहिता को दस्तावेज किया गया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि थाना इलाके के गांव गढ़ी खिराना निवासी मुकेश कुशवाहा ने स्थानीय पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी पत्नी 25 वर्षीय नीता खेतों पर चारा लेने गई थी, लेकिन खेतों से देर रात तक वापस नहीं लौटी तो चिंता हुई। परिजनों ने विवाहिता महिला को आसपास तलाश किया, लेकिन सुराग नहीं लग सका। उन्होंने बताया कि मामले में मोबाइल लोकेशन एवं टेक्निकल ऑर्डिनेशन का पुलिस ने उपयोग किया। मोबाइल लोकेशन विवाहित महिला की उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई कस्बे में विवाहिता को दस्तक किया गया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर थाने से टीम गठित कर उत्तर प्रदेश रवाना की गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर विवाहिता महिला को दस्तावेज कर लिया। उन्होंने बताया कि विवाहिता की पर्चा बयान लेकर पति को सुपुर्द कर दिया है। विवाहिता के गायब होने के मामले में अन्य पहलुओं पर स्थानीय पुलिस गहनता से जांच कर रही है। धौलपुर के सरानीखेड़ा गांव के रामसेवक गर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने साइकिल का वितरण किया। शिक्षा विभाग के पीईओ गजल शर्मा ने बताया कि समाज के लोगों को बेटी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां अग्रणी भूमिका अदा कर रही हैं। धरती से लेकर आसमान तक बेटियां परचम फहरा रही हैं। ऐसे में समाज के लोगों को संकीर्ण विचारधारा छोड़कर बेटा बेटी मंत्र नहीं समझना चाहिए। साइकिल मिलने के बाद बेटियों को स्कूल पहुंचने में सुगमता रहेगी। कार्यक्रम में सरपंच मुन्नी देवी समेत स्कूल के अध्यापक छात्र छात्राएं मौजूद रहे। चंबर रॉयल क्लब सीआरसी ग्रुप की चतुर्थ वर्षगांठ कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई गई। सरकार के संपूर्ण वैक्सीनेशन कार्य को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक 100% पहुंचाने की संस्था के पदाधिकारियों से अपील की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए मंजरी फाउंडेशन के निदेशक एवं क्लब सदस्य संजय शर्मा ने क्लब के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्लब ने महज 4 वर्ष के अल्प कार्यकाल में जिले में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित कर सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में क्लब को नई पहचान दिलाई है। शर्मा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर सिर पर है, ऐसे में क्लब को अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100% वैक्सीनेशन अभियान में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया ने क्लब का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि क्लब के सदस्य सदैव जनहित कार्यों में अग्रणी रहते हैं। क्लब द्वारा जिला स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर संकल्प अभियान चलाया जाएगा। राजौरिया ने कार्यक्रम में उपस्थित क्लब के संस्थापक सदस्य मोहन वर्मा, शायद कुरैशी एवं पिंटू खान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर आपके द्वारा इस क्लब की स्थापना की गई थी, क्लब वर्षों तक उन्हीं उद्देश्यों को बढ़ाते हुए युवा पीढ़ी के लिए मिसाल बनेगा। इस अवसर वरिष्ठ सदस्य भावेंद्र लाल संतानिया ने कहा कि क्लब के सदस्य समय समय पर जन जागरण अभियान में अपनी भूमिका अदा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्लब के वरिष्ठ सदस्य जाहिद कुरैशी, चंद्रमोहन त्रिवेदी, मनोज राणा, संजय अग्रवा ने भी क्लब के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने केक काटकर क्लब की वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम में ब्रजेश मुखरैया, पिंटू खान, मोहन वर्मा, शाहिद कुरैशी, रवि मोहन त्रिवेदी, मुकेश राणा, सुबोध जैन, राहुल राणा, गौरव शुक्ला, कुलदीप सिंह परमार, आमिर खान, अजय मधुर, विष्णु शर्मा, बिट्टू शर्मा, रंजीत दिवाकर उपस्थित रहे। समर्पित सीआरसी क्लब की आज 4 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे सभी साथियों ने संकल्प लिया है, स्थानीय प्रशासन की सहभागिता से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, देश के अंदर चलाया जा रहा है, उसमें कुछ गांव आज भी ऐसे हैं कि जहां पर यह आवश्यकता है कि वहां व्यापक प्रचार प्रसार हो। आज हमारे सभी सदस्यों ने 1 महीने के लिए संकल्प लिया है कि सुदूर ग्रामीण डांग क्षेत्रों में जाकर के, और हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो और संपूर्ण वैक्सीनेशन। दहेज लोभियों द्वारा एक विवाहिता को जलाकर मारने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी से विवाहिता को लेकर परिजनों ने अर्जली अवस्था में जिला अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया है। विवाहिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। विवाहिता की छोटी बहन भारती शर्मा ने बताया कि वर्ष 2008 में उसके परिजनों ने बड़ी बहन शालिनी की शादी यूपी के फतेहपुर सीकरी कस्बा निवासी गौरव शर्मा के साथ संपन्न की थी। ससुराली जनों की डिमांड पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित यातनाएं देने लगे।
पीड़िता के मुताबिक समाज के पंच पटलों के साथ लेकर कई मरतबा पंचायत का भी आयोजन हुआ। रविवार को फिर से विवाहिता के साथ मारपीट की गई, उसके बाद आग लगाकर विवाहिता को जला दिया। सोशाली जन अजली अवस्था में घर पर ही छोड़कर फरार हो गए। झुलसी अवस्था में विवाहिता ने फोन कर पीर परिजनों को अवगत कराया। सूचना पर मायके के पक्ष लोग ससुराल पहुंच गए, लेकिन विवाहिता के ससुराली पक्ष के लोग घर से गायब थे। मायके पक्ष के लोगों ने धौलपुर जिला अस्पताल के वर्ण यूनिट में अधजली अवस्था में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है। विवाहिता की बहन भारती ने बताया कि फतेहपुर सीकरी पुलिस को घटना से अवगत करा दिया गया है। आरोपी ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। मैं भारती शर्मा, मैं पीड़िता की सिस्टर हूँ, बहन हूँ। इनकी शादी फतेहपुर सीकरी में हुई थी सन 2008 में। जब से वो लोग इनको पहले तो दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में मैटर शॉर्ट हो गया। बातचीत करके मैटर को हल किया तो दहेज वाली बातें वहीं खत्म हो गई। अभी 3 साल पहले हमने अपनी बड़ी छोटी बहन की, मेरे से बड़ी, इनसे छोटी बहन की शादी की है कोटा। वहां जो हमने लेन देन किया उसके अकॉर्डिंग इनको 3 साल से बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। और अभी कल इनके साथ जो हादसा हुआ है, अब पता नहीं क्या हुआ है, ये उनकी जुबानी हमने तो सुना है कि आग लगाई हुई है। हम वहां पहुंचे तो वो लोग एक भी घर में मौजूद नहीं थे। ससुर साहब थे, वो भी लास्ट मौके पर वो भी फरार हो लिए थे। धौलपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगपुरा में तैनात एक शिक्षक की देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई। सड़क हादसे में मौत होने के बाद परिजन सबको लेकर जिला चिकित्सक पहुंचे, जहां पुलिस को सूचना देकर मृतक के सबका पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार द्यौली थाना क्षेत्र के सहजपुरा गांव का रहने वाला शिक्षक हरिओम पुत्र खम सिंह लोधा, उम्र 35 वर्ष, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगपुरा में तैनात था। शिक्षक हरिओम रविवार सुबह बाइक से आगरा दवाई लेने के लिए चला गया, जहां देर रात करीब 10:30 बजे उसके परिजनों को सड़क हादसे में मौत की सूचना मिली। मृतक के भाई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आगरा से लौटते वक्त इंद्रावली मोड़ पर उसकी बाइक का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया। मौके पर पहुंचे मुरैना कस्बे के लोगों की मदद से घायल को धौलपुर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थल पहुंचे परिजनों की तहरीर पर द्यौली पुलिस ने मर्ग दर्ज करते हुए मृतक शिक्षक के सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी बीदाराम अम्बेश ने बताया कि रात को हुए हादसे के बाद फरार हुए दूसरे वाहन की तलाश की जा रही है। हरिओम जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगपुरा में कार्यरत है, ये सहजपुर के रहने वाले हैं। रात्रि को ये दवाई लेकर आगरा से आ रहे थे तो इंद्रावली मोड़ के पास कोई अज्ञात वाहन वाला इनको एक्सीडेंट कर गया और इनको लेकर के धौलपुर आए, जब तक वो रास्ते में ख़त्म हो गए। और ये सहजपुर के रहने वाले हैं और हमारे स्टाफ के हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2022 को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले के सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन किया जा चुका है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि वोटर अवेयरनेस फोरम के सदस्यों एवं उनके परिवारजनों के योग्य सदस्यों का 100% मतदाता सूची में नामांकन सुनिश्चित किया जाए तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बैठक आयोजित कर आयोग की IT एप्लीकेशन की जानकारी दी जाए। सैपो थाना पुलिस की अलग अलग टीमों ने जुओ के करीब 3 अड्डों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 13,000 की राशि के साथ जुआ खेलने के उपकरण भी बरामद किए हैं। थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि जुआ एवं सट्टे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। राजस्थान महामारी अध्यादेश का उल्लंघन करने पर धौलपुर पुलिस ने विगत 24 घंटे में 134 कार्रवाई कर 15,400 रुपए का जुर्माना वसूला है। जिले में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराने के लिए धौलपुर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। जिले भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिले भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विगत 24 घंटे में 134 कार्रवाई कर 15,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। धौलपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में जिले भर में मास्क नहीं लगाने पर 2 व्यक्तियों पर 1,000, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 12 व्यक्तियों से 2,400 रुपए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 120 व्यक्तियों पर 12,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा इसी तरह कार्रवाई की जाती रहेगी।